आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं कमांडो आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहां पर दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें दोस्तों निरंतर यहाँ पर आपको पता है कि इससे पहले हमने 66 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि विश्व के भूगोल से संबंधित है। आज दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 67 हम पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा या फिर दोस्तों इस चैप्टर के द्वारा हम क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों मानव की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति के बाद में दोस्तों मानव की जो प्रजातियां हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ ये जानकारी दोस्तों इस वीडियो के द्वारा हम लेंगे। अब दोस्तों आप सबको पता लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूं आप है वो कॉपी और कलम लेकर अवश्य ही बैठ गए होंगे। तो आइए दोस्तों अब मेरे साथ में इन सब टॉपिकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो की पॉइंट के रूप में है उनको आप नोट कर लीजिए और साथ ही दोस्तों रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम में दोस्तों आप धोखा न खाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण इससे संबंधित है दोस्तों। और ये आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों काकेशॉइड प्रजाति है, उसके बाद में दोस्तों काकेशॉइड या फिर इसको श्वेत प्रजाति भी कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों मंगोलाइड प्रजाति के बारे में देखेंगे, निग्रोइड प्रजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अफ्रीकी जो निग्रोइड है इनके बारे में जानकारी लेंगे, एशियाई निग्रोइड है, मतलब ये जितनी भी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं इन प्रजातियों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इन प्रजातियों से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो अब दोस्तों मैं आशा करता हूं आज के बाद में इन प्रजातियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल के बारे में भी हम महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में, यानी दोस्तों मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किस स्थान से हुई, वो दोस्तों सब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंसानों का पहला पूर्वज यानी मानव की उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलेगा इंसानों का पहला पूर्वज आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में रहता था और ये इंसान दोस्तों सांप की तरह बिना पूंछ वाले कपी की तरह था, यानी दोस्तों कपी बोले तो बंदर की तरह था। तो ये दोस्तों इस प्रकार से मनुष्य वो उस समय हुआ करता था और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे किस प्रकार से अपने पहनावे में और सभ्यता में परिवर्तन आता गया और वर्तमान स्वरूप में दोस्तों मनुष्य वो पहुंच गया। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य वो किस तरह से अपनी प्रोग्रेस करते गया और धीरे धीरे दोस्तों एक सभ्य नागरिक के रूप में बन पाया और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों सबसे पहले कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण कैसे हुआ दोस्तों वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह दोस्तों आपका काकेशॉइड प्रजाति और एक है दोस्तों आपका काकेशॉइड या फिर इसको श्वेत प्रजाति भी कहते हैं। तो इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इस प्रजाति का विस्तार विश्व में सबसे अधिक है और विश्व की आधी जनसंख्या इन्हीं की है। ये दोस्तों उत्तरी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं या फिर मिलते हैं, दोनों एक ही बात है दोस्तों। और इनका रंग सफ़ेद और ऊंची तथा पतली नाक
के सामान्य से ऊंचे कद के लोग होते हैं दोस्तों। गहरी नीली और भूरी आंखें इनकी होती है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों ये कौन कौन से जो क्षेत्र है उनमें दोस्तों ये रहते हैं या फिर उनके निवासी है, तो उनके बारे में दोस्तों आप एटलस में अवश्य ही नोट कर ले, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम की दृष्टि से छूट न पाए। तो ये थी दोस्तों इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस जानकारी को आगे शेयर कर दीजिए अभी और इसी वक्त। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं मंगोलाइड प्रजाति के बारे में। ये दोस्तों किस प्रकार की प्रजाति है, क्यों इतनी दोस्तों ये चर्चा में रहती है, या फिर दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, वो भी दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये मध्य तथा पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों इनका सिर चौड़ा और कपाल छोटा होता है, यानी सिर है दोस्तों चौड़ा होता है लेकिन इसका जो कपाल है वो छोटा होता है। नाक सपाट होता है दोस्तों, नाक इस तरह से आप जैसा कि आप यहाँ पर इन सभी छायाचित्रों में देख पा रहे हैं, नाक इनका कैसा होता है, सपाट होता है, सीधा सपाट या फिर दोस्तों सीधा भी हो सकता है नाक। साथ ही दोस्तों इनका रंग कैसा होगा, पीला या फिर भूरा होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी हम ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये है दोस्तों नेग्रोइड प्रजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। ये दोस्तों कहाँ की प्रजाति है, किस प्रकार के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये इंसानों की पहली प्रजाति है। इसका मूल स्थान कहाँ पर होगा दोस्तों, अगर पहली प्रजाति है तो अफ्रीका में ही होगा दोस्तों, और अफ्रीका के अंदर भी दोस्तों आप देखेंगे ओशिनिया में इनका मूल स्थान माना जाता है। उसके बाद में इसका रंग कैसा होगा दोस्तों, रंग काला होगा क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में गर्मी ज़्यादा रहती है। उसके बाद में दोस्तों भूरे कथई, और बाल कैसे होंगे दोस्तों, घुंघराले, इस प्रकार से दोस्तों जो बाल होते हैं इनके घुंघराले होते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मजबूत शरीर और नाक चौड़ी होती है, नाक दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इनमें नाक इनकी काफ़ी चौड़ी होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। अब दोस्तों इसके दो कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अफ्रीकी जो निग्रोइड है इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद में देखेंगे हम एशियाई निग्रोइड के बारे में जानकारी लेंगे। अफ्रीका वालों में दोस्तों देखते हैं ये अफ्रीका में फैले हुए हैं, जो कि दोस्तों स्थानीय जनजाति के नामों से जाने जाते हैं, और जैसे कि दोस्तों क्या क्या नाम है, कालाहारी, मरुस्थल के बुशमैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों जायरे बेसिन में क्या है, इनको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एशियाई निग्रोइड के बारे में दोस्तों जानकारी लेते हैं, तो निग्रोइड के बारे में जानकारी इस प्रकार है दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों दो कौन कौन से, इसमें एक तो द्रविड़ प्रजाति के जो भारत में उनको, और उसके बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी भारत में निवास करने वाले हैं। तो ये दोस्तों इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों कांगो बेसिन वगैरह इससे संबंधित ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपने यहाँ पर देखी। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कब संभव है दोस्तों, ये तभी संभव है जब आप एग्जाम में दोस्तों जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करके जाएंगे, साथ ही दोस्तों आपने जो नोट्स बनाए, यानी दोस्तों जो की पॉइंट आपने लिखे हैं प्यारे प्यारे सुनहरे अक्षरों में, उनका सदुपयोग आप दोस्तों एग्जाम हॉल में कीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको हल करने में परेशानी ना हो। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से की पॉइंट है उनको आप नोट करते जाइए, ताकि रिवीजन करके और एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।